नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। सबसे पहले पहाड़ टीवी की ओर से श्रावण मास की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। बागेश्वर में स्थित है बैजनाथ मंदिर। कहा जाता है कि इसे एक ही रात में बनाया गया था। मंदिर में शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। आइए जानते हैं बैजनाथ का क्या महत्व है। उत्तराखंड के कश्मीर कहे जाने वाले कौसानी के गरुड़ तहसील में एक ऐसा मंदिर है जिसको एक रात में बनाया गया था। इस मंदिर को बैजनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। मंदिर गरुड़ तहसील से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। सर्वाधिक आकर्षण के केंद्र 12वीं सदी में निर्मित शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर और सूर्य मंदिर है। बाबा बैजनाथ मंदिर का इतिहास कतियुर वंशीय राजाओं से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि 1100 ईस्वी में कतियुर राजा ने देवालय के रूप में बैजनाथ धाम की गरुड़ में स्थापना की थी। हर साल देश के कोने कोने से पर्यटक कौसानी देखने के बहाने बैजनाथ मंदिर भी आते हैं। बैजनाथ मंदिर में स्थित मंदिर की कला जागेश्वर के मंदिरों से मेल खाती है, जो 1100 ईस्वी को दर्शाता है। 12वीं सदी में निर्मित बैजनाथ मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंदिर समूह में छोटे बड़े मंदिर मिलाकर 17 गौण मंदिर है। ये सभी मंदिर पत्थरों से एक विशेष प्रकार के नागर शैली में बने हैं। इन मंदिर समूह में मुख्य मंदिर भगवान शिव का और बाकी मंदिरों में केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण, बामणी देवी, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर और सूर्य मंदिर आदि है। पर्यटकों को भी बैजनाथ धाम आना काफी अच्छा लगता है। देश विदेशों से सैकड़ों सैलानी हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ की शांत वादियों में घूमना पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। खूबसूरत नजारों के बीच मौजूद बैजनाथ धाम श्रद्धालुओं की आस्था का धाम है। यहाँ आकर भक्तों को मानसिक शांति के साथ ही अद्भुत सुकून भी प्राप्त होता है। पहाड़ टीवी के लिए बागेश्वर से दीपक जोशी की रिपोर्ट है। बेखौफ उम्मीद का रंग आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।